नोटबंदी की आज बरसी है, 5वीं बरसी। और क्या क्या ऐसी 5 बातें जो कि सरकार ने उस वक्त कही थी, क्या हुआ उसका? पहली चीज, काला धन खत्म हो जाएगा। दूसरा, कैशलेस बन जाएगा भारत। तीसरा, बड़े बड़े नोट सब खत्म हो जाएंगे। ओ माय गॉड। चौथा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। पांचवा, नकली नोट ही नहीं रहेंगे। तो एक एक करके जरा आज 5 साल पूरे होने पर बता देते हैं कि सरकार की ये सारी बातें कितनी सही निकली। फिर मुझे मत बोलिएगा कि देखिए फिर आप आलोचना कर रही हैं, फिर आप कुछ बोल रही हैं। मैं क्या करूं जब कुछ बोलते हो करते हो उसमें से एक तो फॉलो हो जाए। अब जरा पहली बात मैंने क्या बताई थी, काला धन खत्म हो जाएगा, सिस्टम से बाहर निकल जाएगा। तो भैया कहा यह गया था जब 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी तो पूरे सिस्टम में उस वक्त 15 करोड़ 41 लाख रुपए 500 और 1000 रुपए के थे जो कि सिस्टम में सर्कुलेट हो रहे थे। तो भैया कायदे से तो इसमें से बहुत हद तक, बहुत बड़ी परसेंटेज काले धन के रूप में बाहर निकल जानी चाहिए थी। अब इनमें से 15 करोड़ 31 लाख रुपए के नोट सफेद धन के रूप में बैंक में ही वापस आ गए। तो काला धन कितना था जो कि जिसके लिए उन्होंने पूरे देश को लाइन में लगा दिया, कितने लोगों की मौत हो गई, सिर्फ और सिर्फ 10,720 करोड़। इतने पैसे के लिए पूरी 130 करोड़ की आबादी को इन्होंने परेशान कर दिया, लोगों के धंधे चौपट कर दिए, लोगों को, कितने लोगों को अपने बिजनेस तक बंद करने पड़ गए। और उस वक्त कोर्ट में मुकुल रोहतगी जो कि सरकार की तरफ से नोटबंदी का प्रचार कर रहे थे, उसको डिफेंड कर रहे थे, कह रहे थे सरकार ने यह कदम उत्तर पूर्व और कश्मीर में भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने में इस्तेमाल हो रहे 4 लाख से 5 लाख करोड़ रुपए तक को चलन से बाहर करने के लिए उठाया है। सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी का बचाव करते तत्कालीन अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने यह बात